तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का चुनावी शोर थम गया है। देखिए 6 बजे थमने वाला था और देखिए 6 बजे हम हाजिर हैं खास एमपी का आखिरी रन लेकर। डोर टू डोर अब प्रत्याशी कैंपेन कर सकेंगे, अभी भी गुंजाइश है, लोगों तक पहुंच सकेंगे। 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। साक्षी, बिल्कुल, एमपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी और अब डोर टू डोर ही प्रत्याशी कैंपेन कर पाएंगे, क्योंकि देखिए अब एमपी का ये आखिरी 24 की ये आखिरी लड़ाई है। और एमपी की बात करें तो मात्र अब 8 सीटें बची हुई हैं, 8 सीटों पर मतदान होंगे और चुनावी शोर जो है अब वो भी थम चुका है। दिग्गजों ने लगातार जोर लगाया और ऐसे में अब शोर थम चुका है, क्योंकि घड़ी में शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। और वो सीटें भी देखे, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में वोटिंग होगी, इसके साथ ही धार, खरगोन, खंडवा, देवास में वोट डाले जाएंगे। तो मालवा, निवाड़ की ये महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो कि 8 सीटें आती हैं जहां पर अब मतदान होने हैं। तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब ये मालवा निवाड़ है। मालवा निवाड़ में बीजेपी का गढ़ हालांकि कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुटी हुई है। 3 चरण खत्म हो चुके हैं, पहले 2 चरणों में थोड़े मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन 3रे चरण में मतदान प्रतिशत जो है अच्छा खासा रहा है, जोर डाला गया है। 4थे चरण में अब उम्मीद है कि जनता और जागृत होगी, क्योंकि अब तक तो पार्टियों को भी समझ में आ चुका होगा उनके आंतरिक सर्वे क्या कह रहे हैं। तो इस हिसाब से दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। तो 4था चरण बेहद अहम है, लेकिन क्यों अहम है ये चलिए आपको बताते हैं कि 4था चरण आखिर असल में 4था चरण क्या खास नतीजे लेकर आने वाला है, कितनी मुश्किलें हैं, कितनी चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के लिए, असल ये परीक्षा, क्योंकि 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और चौथा चरण महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि देखिए सीएम मोहन के गढ़ उज्जैन में वोटिंग होनी है। उज्जैन महत्वपूर्ण सीट है और इसके साथ ही इंदौर सीट देश में सबसे ज्यादा चर्चित सीट है, क्योंकि यहां पर देखिए आखिरी समय कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही मैदान छोड़ दिया और ऐसे में बीजेपी के सामने ये खुला मैदान है। यहां कहा जा सकता है कि बीजेपी के सामने किसी भी तरह की चुनौती नहीं है, हालांकि यहां पर नोटा ज्यादा चर्चा में है। ये देखिए आप रतलाम सीट से अनिता नागर सिंह चौहान मैदान में है, कांतिलाल भूरिया उनके सामने है। धार से देखिए आप सावित्री ठाकुर महिला प्रत्याशी, उनके सामने राधेश्याम मुबेल यहां पर चुनावी मैदान में है। तो ये सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, खासकर आखिरी लड़ाई की अगर हम बात करें। गजेंद्र पटेल है, पोरलाल खरते यहां से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा देखिए मंदसौर की बात कर रहे हैं, सुधीर गुप्ता, दिलीप सिंह गुर्जर उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से, सुधीर गुप्ता यहां से पहले भी सांसद रहे। और देखिए महेंद्र सिंह सोलंकी देवास से, उनके खिलाफ है राजेंद्र मालवीय, भारतीय जनता पार्टी से नया चेहरा, लेकिन कांग्रेस से राजेंद्र मालवीय यहां से टक्कर दे रहे हैं। उज्जैन से देखिए अनिल फिरोजिया, दूसरी बार उनको मौका मिला है, उनके सामने महेश परमार है कांग्रेस की तरफ से। तो बिल्कुल ये वो सीटें हैं जिन पर हमारी नजर लगातार बंसल न्यूज की नजर है, ताकि सही जानकारी सही आंकड़ों के साथ आप तक पहुंचाए। चौथा चरण है, आखिरी लड़ाई है एमपी की और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, पल पल की जानकारी आपको देंगे, समीकरण आपको समझाएंगे, किस सीट पर कौन सी लहर है ये भी आपको बताएंगे। तो धार में देखिए सावित्री ठाकुर के सामने राधेश्याम मुवेल को यहां पर मैदान में उतारा है। धार में महिला प्रत्याशी जो कि सावित्री ठाकुर 2014 में भी चुनाव लड़ चुकी है, लोकसभा चुनाव का जीत भी उन्हें मिली थी। खरगोन से देखिए गजेंद्र पटेल के सामने पोरलाल खरते यहां पर मैदान में है। तो ये वो सीटें हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मंदसौर से देखिए सुधीर गुप्ता के सामने दिलीप सिंह गुर्जर, जो कि कांग्रेस का एक नया चेहरा है, नया प्रयोग किया है, खास रूप के पूर्व विधायक और दिग्विजय सिंह की खास भी है। देवास से भी आप देखिए महेंद्र सिंह सोलंकी के सामने राजेंद्र मालवीय कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। उज्जैन सबसे ज्यादा चर्चित सीट है क्योंकि ये मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला भी है, उनका क्षेत्र भी है, इसीलिए भी ये सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती है और लगातार इस सीट की चर्चा भी हम कर रहे हैं। और इसके साथ ठीक है, चलिए इस पर जायज जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए और वहां के हालात का हम जायजा लेंगे, क्योंकि प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन इन तमाम जो सीटों का पहले एक समीकरण जान लेते हैं, क्या कुछ अलग अलग सीटों पर हो रहा है। उसके बाद हमारे साथ मनोज सैनी भी जुड़े हैं, मनोज सैनी जी जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके साथ ही पीयूष पारे भी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन पहले इंदौर की सीट की जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रशंसा के पास। बिल्कुल, शुक्रिया ललित। तो देखिए मालवा
निमाड़ का दंगल किसका करेगा मंगल, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन चलिए अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट जो कि है इंदौर, इसका सियासी समीकरण भी जरा आपको समझा देते हैं और कौन है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आमने सामने ये भी आपको बता देते हैं। क्योंकि देखिए बीजेपी का अभेद किला है और ऐसे में इसमें सेंध लगाने की कांग्रेस ने कोशिश की, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट यहां पर नहीं है। बीजेपी की तरफ से शंकर लालवानी एक बार फिर से चुनावी समर में ही एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए बसपा से संजय सोलंकी चुनावी समर में है, दोनों के बीच में मुकाबला होगा। लेकिन बीजेपी यहां पर कुल मिलाकर कहे तो स्ट्रांग होल्ड लेते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस की तरफ से कोई यहां पर प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस नोटा को ही अपना प्रत्याशी बनाकर प्रमोट कर रही है। देखिए सियासी समीकरण क्या कहता है मालवा निमाड़ का, ये जरा आप देख लीजिए। मालवा निमाड़ की इस सीट पर बीजेपी बेहद ही ज्यादा मजबूत है क्योंकि 35 साल से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है और शंकर लालवानी एक बार फिर से चुनावी समर में है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी कैंडिडेट नहीं है क्योंकि अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था और उसके बाद इस सीट पर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है नोटा को प्रमोट कर रही है। इसलिए बीजेपी कुल मिलाकर इस सीट पर काफी ज्यादा मजबूत और एक तरफा जीत नजर आ रही है। लोकसभा की 8 सीटों की बात करें तो ये बीजेपी के पास है, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर कितनी मजबूत है क्योंकि यहाँ से लगातार बीजेपी जीतती हुई नजर आई है। यहाँ बीजेपी के सामने कोई दूसरा दावेदार नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं, हालांकि बसपा की तरफ से कैंडिडेट है, लेकिन मुकाबला बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये इंदौर का सियासी समीकरण आपको समझा दिया, लेकिन अभी सीधा रुख करेंगे नेक्स्ट स्टूडियो का, ओवर टू यू ललित और साक्षी। शुक्रिया प्रशंसा। तो देखिए लगातार हमने तमाम अलग अलग सीटों की तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाएंगे। पहले सबसे पहले इंदौर चलते हैं और हमारे साथ पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके बाद फिर हम देवास के लिए भी रुक करेंगे और हमारे साथ जो है एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पीयूष आपके पास आऊँगा। देखिए इंदौर गढ़ माना जाता है बीजेपी का, प्रकाश चंद सेठी मुझे याद आता है उनको हराया था सुमित्रा महाजन ने और उसके बाद से लगातार जो है कोई कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं पाया। लेकिन इस बार तो बड़ा ही अलग टाइप का समीकरण है क्योंकि यहाँ कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है ही नहीं। कैलाश जी जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जीतू पटवारी खुद जोर लगाते हुए दिखा, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं। क्या ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच का ये संघर्ष तो नहीं होगा? और दूसरी बात ये है कि क्या अभी भी मजबूत स्थिति में बीजेपी है या कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है नोटा को लेकर? देखिए ललित, अगर बात की जाए तो संभवतः ये पहला मौका है जब इंदौर में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं है। अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद में ये समीकरण बने हैं और आज भी हमने देखा कि जब चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन था उस वक्त तक बीजेपी पूरी ताकत से कहीं ना कहीं यहाँ पर जुटी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे, इंदौर के सबसे व्यस्ततम इलाके राजबाड़ा के क्षेत्र के जो व्यापारिक व्यावसायिक जो क्षेत्र है वहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री सीएम का रोड शो भी हुआ है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी को इतनी ताकत झोंकने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, इसके पीछे की वजह भी हम लोग ये जान लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस नोटा को प्रमोट कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस की नोटा को लेकर कैंपेनिंग हो रही है, उसने कहीं ना कहीं इंदौर के समीकरणों को काफी दिलचस्प बना दिया है। 25 लाख मतदाता है, पिछली बार 2019 में शंकर लालवानी रिकॉर्ड मतों से 5,47,000 मतों से जीते थे। हालांकि इस बार के समीकरण बहुत कुछ जो है बीजेपी के पक्ष में है, चूंकि मैदान साफ होता है ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी को उम्मीद है कि इंदौर में इस बार वो एक नया रिकॉर्ड कायम करने जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर नोटा में बड़ा आंकड़ा जाता है, यानी कि नोटा में ज़्यादा वोट डलते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो बीजेपी के लिए समीकरण बिगड़ भी सकते हैं। हालांकि बीजेपी आश्वस्त जीत के प्रति है, लेकिन नोटा की टेंशन बीजेपी को लगातार सता रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कांग्रेस की कैंपेनिंग रंग लाती है या फिर बीजेपी का जो एक यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है उसे बीजेपी आगे बढ़ाने में कामयाब होगी। लेकिन चुनावी जंग काफी दिलचस्प होगी। बीजेपी एक तरफ से पूरी तरीके से मैदान में है, लेकिन नोटा के साथ में कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चुनाव में। अच्छा, एक दिलचस्प बात और पूछना चाहूंगा पीयूष, क्योंकि हम देखते हैं आखिरी रन होता है और उस वक्त जब प्रचार जोर पकड़ता है, हमने देखा कि दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से जो है कैंडिडेट का प्रचार करते हुए दिखाई देती है। बीजेपी की तरफ से हमने देखा रोड शो में खुद मुख्यमंत्री उतरे हुए थे, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रचार कर रहा था कि नहीं कर रहा था, चाहे नोटा का ही सही? देखिए कांग्रेस ने अपना प्रचार, जी ललित, कांग्रेस ने अपना प्रचार का बहुत तरीका अलग बदल दिया क्योंकि उनके पास ऑप्शन नोटा ही बचा है। हमने देखा खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भावुक अपील करते हुए नजर आ रहे थे, उनका एक बयान सामने आया, वे इंदौर की जनता से बड़े भावुक तरीके से कहीं कहीं रूबरू हो रहे हैं कि इंदौर में बीजेपी को सबक सिखाना है तो एक ऑप्शन नोटा का यहाँ पर जो है वो है।
दूसरी तरफ सेल्फी पॉइंट इंदौर में कांग्रेस ने बनाया नोटा विद सेल्फी, तो ये कांग्रेस का एक कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा सकता है कि वो इमोशनल कार्ड खेल रही है, क्योंकि उनका कैंडिडेट तो बीजेपी में जा चुका है। अब ऐसे में इमोशनल कार्ड के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी को वो चुनौती देने की कोशिश में, अब इसका कितना असर होगा इंदौर का मतदाता, इमोशनल कार्ड की तरफ कितना झुकाव होता है इंदौर के मतदाताओं का, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है इंदौर की सीट को लेकर, और जाहिर सी बात है जब मैदान साफ होता है तो ये कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो पूरी ताकत के साथ में कहीं नए रिकॉर्ड की तरफ एक उम्मीद लगाए बैठी हुई बिल्कुल है। पीयूष बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पल पल की अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मनोज जी का रुख करेंगे, देवास का समीकरण जानेंगे और जनता का मन भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी सहयोगी प्रशंसा का रुख करेंगे कि आखिर इस सीट के मुद्दे क्या है और कौन से प्रत्याशी मैदान में है। ओवर टू यू प्रशंसा। बिल्कुल, तो मालवा निमार की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन देखिए आप जो पीछे खूबसूरत नजारा देख रहे हैं ये है बाबा महाकालेश्वर मंदिर का खूबसूरत नजारा। और अब बात करते हैं बाबा महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन की, यहाँ पर क्या है सियासी समीकरण बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, कौन है आमने सामने ये जरा देख लीजिए। बीजेपी की तरफ से अनिल फिरोजिया एक बार फिर से चुनावी समर में है, मौजूदा सांसद है, बीजेपी ने एक बार फिर से इन्हें टिकट दिया। तो दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से महेश परमार तराना से विधायक है, इन पर दाव खेला है कांग्रेस पार्टी ने, तो दोनों के बीच मुकाबला, लेकिन उज्जैन पर साख दाव पर लगी है दिग्गजों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये गृह जिला भी है, ऐसे में सभी की नजरें सीट पर टिकी हुई है, लेकिन बीजेपी का होल काफी ज्यादा स्ट्रांग यहां पर माना जा रहा है। सियासी समीकरण की अब जरा बात कर लेते हैं, सीएम का गृह क्षेत्र है इसलिए ये हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार इस बार उज्जैन में क्या होगा। फिरोजिया के पीछे बीजेपी संगठन की ताकत है, यानी कि संगठन ने यहां पर तमाम कोशिशें की ताकि फिरोजिया को फिर से टिकट मिल सके एक बार फिर से चुनावी समर में, और इसलिए लग रहा है कि परंपरागत सीट एक बार फिर से बीजेपी के कब्जे में जा सकती है। दूसरी तरफ आप देखिए यहां कांग्रेस मुश्किल में दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी के पास तमाम उपलब्धियां हैं जिनमें से एक महाकाल लोक भी शामिल है, और विकास के मुद्दे पर यहां पर बीजेपी चुनावी समर में उतरी हुई है। तो ये सियासी समीकरण आपको समझा दिया कि उज्जैन में क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं। फिरोजिया के राजनीतिक और शारीरिक की चर्चा भी हमने देखी थी और ये मुद्दा भी खूब गरमाया था, लेकिन इस बार कौन सा मुद्दा गरमाता है लोकसभा चुनाव में और जनता किसको जो है वो चुपी आशीर्वाद देती है, इसलिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। अगली सीटों की भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी सीधा रुक करेंगे नेक्स्ट स्टूडियो का। ओवर टू यू ललित और साक्षी। शुक्रिया प्रशंसा, शुक्रिया। और खासतौर पर साक्षी जो है उज्जैन की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, एक तो बड़ी बात ये आस्था का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ चर्चाओं में इसलिए भी क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री उनका गृह जिला है, और इसीलिए हमारे साथ उज्जैन से संदीप वस्त भी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं और उज्जैन के समीकरण जानने की कोशिश करते हैं। संदीप जी देखिए, हमने ये खास तौर पर उज्जैन की आज चर्चा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ खुद जो है मोहन यादव जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू को छोड़कर हमने देखा उसके बाद तमाम जो है चिंतामणि मालवीय हो और उसके बाद फिरोजिया जी हो, ये लगातार जो है बीजेपी का गढ़ के रूप में प्रसिद्ध होता चला गया। क्या कुछ किस दृष्टि से आप देख रहे हैं, एक तो आस्था का केंद्र है और बीजेपी का गढ़ है, लेकिन तराना से मौजूदा विधायक है महेश परमार, तो क्या वो भी जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या हकीकत है, जमीनी हकीकत क्या कुछ है? जी ललित जी देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी की अपर एज है, शुरू से ये उज्जैन सीट बीजेपी का एक गढ़ रही है। अब तक यहाँ जो 17 लोकसभा के चुनाव हमने देखे उसमें सिर्फ 5 बार कांग्रेस जीत पाई है, बाकी हर बार कांग्रेस को शिकस्त का ही सामना करना पड़ा। इस बार भी निश्चित तौर पे बीजेपी के बास्केट में बहुत कुछ है जनता को दिखाने के लिए, मोदी से लेके स्टेट गवर्नमेंट की जो उपलब्धियाँ हैं, उज्जैन के लोकल लेवल पर जो उपलब्धियाँ हैं, चाहे हम बात करें औद्योगिक की, तो यहाँ विक्रम उद्योग पूरी के रूप में एक बहुत इंडस्ट्री डेवलप हुई है पिछले 1-2 साल में। महाकाल लोक अपने आप में जितना रोजगार जनरेट उसने किया है वो शायद किसी की कल्पना से बाहर है, और आज अच्छे से अच्छे MBA की रिसर्च की स्टडीज का सब्जेक्ट बना हुआ है। लेकिन साथ ही साथ उसके साथ साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं महेश परमार, उनने भी कोई एक कसर नहीं छोड़ी है इतनी सब चीज़ों के बावजूद, जबकि कोई बड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा या कोई बड़ी आमसभा भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं था, विधायक भी सिर्फ 2 ही हैं
हैं उज्जैन जिले में कांग्रेस के, उसके बावजूद यह कहना होगा कि उन्होंने चुनाव को दिलचस्प बनाया। हम अगर बात करें महापौर की तो महेश परमार महापौर चुनाव में भी लड़े थे। महापौर मतलब उज्जैन की दो विधानसभाओं को मिला के बनता है, उसमें भी महेश कुछ हजार वोटों से ही वो हारे थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी महेश परमार को सीरियसली ले रही है, हवा में नहीं ले रही है, मजाक में नहीं ले रही। यही कारण है कि मुख्यमंत्री को हमने देखा अमूमन पिछले 5 दिनों में रोज ही, पिछले भोपाल के मतदान के बाद से लगभग रोज ही एक न एक कार्यक्रम उन्होंने उज्जैन में या तो शहर में किया या फिर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके किए हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन में, वो भी ग्रामीणों में सभाएं ली उन्होंने। तो निश्चित तौर पर बीजेपी किसी प्रकार की कोई कसर छोड़ने की उसमें नहीं है। भले ही पुराने आंकड़े बीजेपी के पक्ष में जाते हैं लेकिन चुनाव दिलचस्प जरूर है। बिल्कुल। और यहाँ पर संदीप अगर बात करें तो देखिए सचिन पायलट जैसे नेताओं ने भी यहाँ पर दौरा किया है, जीतू पटवारी ने भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गज मैदान में नजर आए, लेकिन जिस तरह से ये मुकाबला देखे दोनों ही प्रत्याशियों को, तो 2018 में भी दोनों सामने थे लेकिन यहाँ पर अनिल फिरोजिया हार चुके थे और मुकाबला इस बार दिलचस्प है, तो क्या लगता है ऐसे में? जी प्रशंसा, देखिए आप जिस 2018 के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं वो विधानसभा का चुनाव था, तराना विधानसभा का। तराना विधानसभा में महेश परमार ने अनिल फिरोजिया को शिकस्त दी थी, तो कहीं ना कहीं उसका एक साइकोलॉजिकल जो एक मनोभाव होता है वो निश्चित तौर पे महेश परमार के लिए था। लेकिन जो ये चुनाव है वो अलग है। सबसे ज़्यादा बीजेपी जहाँ मोदी फैक्टर और केंद्र सरकार की चीज़ों को ही पूरे प्रचार में सामने रख के चली, वहीं महेश परमार और कांग्रेस ने जो उज्जैन के स्थानीय मुद्दे थे, जैसे कि हमने शिप्रा नदी का जब मैटर के वहां जिस तरीके से गंदे नाले मिले, बिना देर करे महेश परमार ने उस मैटर को सबसे जल्दी लपका और वो वहां जाके उस गंदे पानी में उन्होंने धरना दिया। यही कारण रहा कि 7 दिन बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उज्जैन आए और उन्होंने उसी शिप्रा के उसी रामघाट में डुबकी लगा के मैसेज देना चाहा कि शिप्रा पूरी तरीके से साफ है, स्वच्छ है और राज्य सरकार शिप्रा को शुद्ध रखने के लिए पूरी तरीके से गंभीर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद और बने रहिए, लगातार चर्चा आपसे करेंगे।